बन गई है पूरी। यहाँ आलू की कचौड़ी है। आज का खाना रेडी। यहाँ पनीर की सब्जी है, मिठाई है, आलू की कचौड़ी है और चावल है, और ये है सूरन की सब्जी। तो बन के ये खाना दीपावली का रेडी है। इतना ढेर सारा आ चुका है बम पटाखा, और ये पूरी दीपावली बजेगा। पूरी दीपावली यानी कि कल बजेगा। और जो लोग भी लेक्चर देते हैं कि बम पटाखा नहीं बजाना चाहिए, प्रदूषण होता है और इस प्रदूषण को नहीं करना चाहिए, तो जो भी लेक्चर देता है उसके पास ले जाके ये बम पटाखा ज़रूर बजाएं, वो हम बोल रहे हैं कि ज़रूर बजाएं और ज़रूर से ये त्यौहार खूब हर्षोल्लास से मनाएं, किसी की ना सुने, जितना हो सके बम पटाखा बजाएं और ज़रूर बजाएं। हम लोगों का त्यौहार है, कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार, हैप्पी दिवाली आप सभी को। बच्चों के लिए ढेर सारा फुलझड़ी है, देख सकते हैं आप लोग कितनी ढेर सारा यहाँ पे, ये देखिए फुलझड़ी है, बम है, पटाखे हैं, और ये सब क्या क्या है बच्चे सब लेके आए हैं बजाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार है, ये देखिए ये सारा चीज। और ये है मुर्गा छाप बम पटाखा, और इसमें है ये ये है सारा, पता नहीं कौन कौन सा है, सब बच्चे लाए हैं। ये वही लोग समझ सकते हैं कि ये क्या क्या है। कल खुलेगा दीपावली वाले दिन तो सारा चीज़ दिखाएंगे। तो ये इतने ढेर सारे बम पटाखे, ये देखिए तो ये परसों रात का वीडियो था और ये कल सुबह का है यानी दीपावली वाले दिन का। तो सूरन आया था, तो सूरन ज़रूर बनता है। तो सूरन में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो सूरन को पहले धुल दिए थे अच्छे से, आलू बॉयल कर दिए थे, हाथों में तेल लगाना था सूरन के लिए। इसको अच्छे से धुलने के बाद हाथों में तेल लगा लिए, हाथ में तेल लगाने के बाद तभी इसको छीलिए, नहीं तो बहुत तेज़ हाथ में खुजली होने लगती है, काटता है बहुत तेज़। अब इसको हम कुकर में बॉयल कर देंगे, तो बॉयल करेंगे सिर्फ एक सीटी में, ज़्यादा देर नहीं बॉयल करेंगे नहीं तो ये बिल्कुल गल जाएगा। सिर्फ एक सीटी ही लगाएंगे और प्रेशर छोड़ देंगे। तो ये है सूरन। सूरन की सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है दीपावली में, हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। यहाँ भी गा दी उड़द की दाल, तो आज उड़द की दाल की कचौड़ी बनाएंगे। तो यही रहेगा आज दीपावली के लक्ष्मी खाना पीना। तो दीपावली की सुबह बहुत ज़्यादा काम होती है, वो वही औरतें जानती होंगी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन अकेले ही होता है, उनको अकेले ही मैनेज करना होता है। तो यहाँ हम 5 बजे भोर का ही उठे थे, तो पूरे घर की सबसे पहले तो बैठ के सारी साग सब्जी जितने थे उनको काटे, बॉयल किए, आलू और जो भी सब्जी आप लोगों को दिखाए वो सब बॉयल किए, तैयारी किए, फिर फटाफट से लगा दिए पूरे घर में झाड़ू पोछा। त्वमेव बन्धु जजका, त्वमेव त्वमेव विद्या। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को नमस्कार, और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। आप लोगों का दिन शुभ हो और त्यौहार बहुत अच्छे से मने, सेफली मने, और बहुत खुशियां आए आप लोगों के घर में, बस यही कामना करते हैं। तो बस हो गई सुबह और सारा काम वगैरह कर लिए हैं, फिर उसके बाद अब चल रहे हैं यहाँ पे नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में सबसे पहले सैंडविच बना ले रहे हैं। नाश्ते में रेडी हो गया ये सैंडविच, और एक साइड में चाय पक रही है और एक तरफ खाने की तैयारी हो रही। फटाफट काम आज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें नाश्ता करनी और फिर होगी खाने की पूरी तैयारी। हो चुकी तो फटाफट से खाना भी बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हम मसाले को भी यहाँ पर पीस लिए हैं, मसाला पीस लिए हैं, और फटाफट से बनाएंगे पनीर की सब्जी, कोड़े की सब्जी और उड़द के दाल की कचौड़ी। मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। और ये हो गया चाय।
चूरन को इसी में लाल होने तक बिल्कुल फ्राई करेंगे, बिल्कुल जैसे पनीर फ्राई करते हैं वैसे लाल होने तक ही फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल हो जाएगा तब तक। तो मसाला दोनों का एक साथ ही पीस लिए थे और एक साथ ही भूंज रहे हैं ताकि दोनों सब्जी मेरी फटाफट से तैयार हो जाए। तो एक तरफ सूरन फ्राई कर रहे हैं, एक तरफ मसाले भूंज रहे हैं। सूरन में अमचूर जरूर डालना चाहिए, अमचूर नहीं है तो टमाटर डाल दीजिए, खट्टा डाल दीजिए जरूर से, नींबू डाल दीजिए। फिर इसमें डाल दिए थे थोड़ा सा पानी और जो मसाला दोनों एक साथ ही पीसे थे पनीर के लिए और सूरन के लिए, तो दोनों को एक साथ ही भूंज लिए थे ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। तो एक तरफ पनीर की सब्जी बन गई और एक तरफ सूरन की सब्जी बन गई। और यहाँ फटाफट से निकालने लगे कचौड़ियाँ, तो कचौड़ी में यहाँ पर आलू की कचौड़ी थी और उड़द के दाल की कचौड़ी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा खाना बिल्कुल बन के रेडी हो गया। तो शाम तक का खाना हम बना लेते हैं, केवल पूड़ी शाम के लिए नहीं बनाते, पूड़ी और पुलाव दोबारा शाम को बनाते हैं। तो सुबह किसी को भी सुबह न पुलाव खाना था न पूड़ी खाना था, फिर भी त्यौहार था तो हम थोड़ा सा पूड़ी और कचौड़ी बना लिए थे। आज खाना तो बहुत ही टाइम से खाना मेरा बन के रेडी हो गया था और हमें और टाइम मिल जाएगा घर की साफ सफाई के लिए, फिर शाम को पूजा पाठ करना है। तो खाना यहाँ बिल्कुल मेरा तैयार हो चुका है बहुत सही टाइम पे, खाना रेडी है और अब चल रहे हैं खाने और फिर लग जाएंगे पूरी तैयारी में। साज सजाई, सफाई, चादर बिछाना, पूजा वाले रूम की सफाई, ये सारी चीज करना है। सुबह की सब्जी इतनी अच्छी बनी तुम खाए ही नहीं, मेरे हाथ से खाओ। नहीं अब यहाँ शाम की तैयारी शुरू हो गई है तो पूरा कपड़ा चेंज करेंगे, सूखा कवर चेंज करना है, चादर बदलना है, तो ये सारी चीजें होंगी। खाना पीना हो चुका है और अब चल रहे हैं कमरे की, सारा सूखा कवर ये सब चेंज कर रहे हैं और फिर लग जाएंगे पूजा की तैयारी में। तो काम आज ज्यादा है, चेंज हो गया है। तो ये ब्लॉग था दिन का दीपावली की तैयारी का और अब शाम को दीपावली में कैसे पूजा किए हैं, क्या क्या किए हैं, ये सारा चीज़ दिखाएंगे। तो हस्बैंड भी मेरे साथ लग गए थे क्योंकि ये हमसे नहीं लग रहा था। तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। शाम का ब्लॉग कल देंगे डालेंगे तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप सभी को नमस्कार और हैप्पी दीपावली।